हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिजीत और आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं फाइनेंस जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। अगर आपका भी अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक के साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये दोनों बैंक मर्ज हो चुका है। तो दोस्तों आपका जो पुराना अकाउंट का डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स भी चेंज हो चुका है, जैसे आईएफएससी कोड और बाकी सारे डिटेल्स। तो आपको कैसे अपना न्यू अकाउंट डिटेल्स को ढूंढना है दोस्तों, तीन तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको ब्रांच विजिट करना है। आपका जो ब्रांच है वो सेम रहेगा लेकिन जो बैंक का नाम है वो दोस्तों चेंज हो चुका है। ब्रांच विजिट कीजिए और वहां पे आप अपना जो अकाउंट का न्यू डिटेल्स है उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों जो सेकेंड वे है वो है, आप गूगल पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं आपका ब्रांच के साथ, तो आपका ब्रांच का जो करेंट आईएफएससी कोड और बाकी सारे डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा। थर्ड वे है दोस्तों, आप पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए या दोस्तों आप प्ले स्टोर से पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। तो वहां पे आपको सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर और आपका जो सेम मोबाइल नंबर है उसको आपको देके यहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करना है। और आप जैसे अकाउंट का लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे आप अपना आईएफएससी कोड और बाकी सारे डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बैंकिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलता है आप सबके साथ नया और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।